मार्च 21 को हमारी जो बायोकेमिस्ट्री मैडम है उन्होंने बोला है प्रेजेंटेशन रेडी करने का, मेरे पास में टाइम से एक दिन का टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो लेके बैठे हैं देखते हैं कितना रेडी कर पाते हैं आज के डेट में, क्योंकि टाइम हमारे पास मैच किया और कल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, तो पता नहीं क्या होगा। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मतलब कि लिख दिया हूँ, बाकी है इतना ही, क्या करना होगा ये है। और फिर मैम बैठे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन लाइब्रेरी में भीड़ इतनी होगी, वहाँ शोर भी ज़्यादा होगा, शोर भी हो गया ना, वीडियो बन सकती है ना पढ़ाई हो सकती है, दोनों काम ही खराब हो गई है। देखो एक आइटम तो खा ले जो कि मैं घर से लाया था गुजिया, अभी बनती लाइए केक, केक भी टूटू कहने को तो हम डाइट पे जिम करते हैं हम, लेकिन मीठा इतना खाते हैं ना, मीठा बनाने वाला भी नहीं खाते। पूछ रहा है मैं किस एंगल से पतला लगता हूँ, अब जो देख रहा है वो बताओ किस किस एंगल से पतला नहीं है, नहीं क्वेश्चन ये है कि किस एंगल से मोटा है ये, पतले की तो छोड़ो, ये दोनों भाई बहन एक जैसी हैं, आपस में तसल्ली देते रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो खा ले या बोल ले तू। ये रहा हमारा विनर, जिसने जीते हैं एक आधा खाया हुआ केक का डिब्बा और एक डिब्बा जिसमें आधा खाया हुआ गुजिया है, अब वो थप्पड़ खा रहा है। भाई बहुत देर बैठ लिए कॉलेज में, जो है थोड़ा बाहर जाएंगे रिफ्रेशमेंट लेंगे, भाई गाड़ी छुड़ा मत देना। भाई सुबह से कॉलेज में बैठे थे, थोड़ी अपने प्रेजेंटेशन की भी तैयारी कर ली, थोड़ी बकवास भी कर ली, थोड़ा खाना पीना भी खा लिया, अब जो है आ गया, अब थोड़ा कुछ लंच वंच कर ले, बीच में थोड़ा कहता है तो लंच कर लेंगे फिर चलते हैं। यहाँ पे एंड होता है सुबह से बहुत ज्यादा हो गया जो होना था। हाँ हमारे चक्कर में नीति भूखी है, कोई बात नहीं, भूखी खाने रहे जो है एक ही जैसे लगती है, चलते हैं दोबारा, या तो ये कुछ खाएंगे तो वहाँ चलते हैं, नहीं तो भी दोबारा कॉलेज जाएंगे, पंखे के नीचे बैठेंगे आराम से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ठीक है पढ़ेंगे बस बस।
बिरयानी हो गई, सब लंच हो गया, थोड़ा जूस पीते हैं, उसके बाद कॉलेज की तरफ चलेंगे। भाई हमारे सीनियर है ऋषभ भैया जी, हाँ, जो मतलब हमारी फ्रेशर पार्टी हुई थी उसके बाद एक बार दिखे थे, दूसरी बार आज दिख गए। हाँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी के अलावा कहीं भी नहीं दिखे। अब आए वो भी जानते क्यों आए, एग्जाम के फॉर्म फिल करने। अच्छा, चमक जाया करो भाई। दिखे थे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे? हाँ दिखे थे ना, बाइक पे बैठे बैठे। और ये हमारे यश भैया जी जो शांत रहते हैं लेकिन जब मुँह खोलते हैं तो पूरी वाली भड़ास निकालते हैं। चलो कौन सी भड़ास निकाली तो नहीं बताऊँगा। भाई कॉलेज का तो आज का टाइम तो यही था। क्या टाइम हो रहा है? हाँ 3 बज चुके हैं, हमारी क्लासेस अब खत्म हो चुके हैं, चलते हैं घर की तरफ। तो बस यहाँ तक यही रहे भाई। आज की ब्लॉग में इतना ही। टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। मेहनत के साथ।